एक हजार का अनारस है, एक लम्फाई में पूरा 50 साइड ये घुस जाता है लम्फाई पे। दोस्तों, हम बाजार से पाइनएप्पल खरीद के खाते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता है कि इस पाइनएप्पल को हम तक पहुंचाने के लिए ये लोग कितना मेहनत करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा एक विलेज के वर्चुअल टूर पे, जिसका नाम है मार्केवलिंग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूं आपका दोस्त सुब्रजीत। आज हम लोग जाने वाले हैं एक जगह जहां पे आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और ये जगह है पाइनएप्पल गार्डन। तो चलिए वहां पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये गार्डन कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस विलेज की स्पेशलिटी ये है कि इंडिया का लार्जेस्ट पाइनएप्पल प्रोडक्शन इसी जगह पे होता है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट भी होता है। ये विलेज सिलचर से 25 से 30 किलोमीटर दूर लखीपुर टाउन के पास में है। यहाँ मार प्रजाति के लोग रहते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं पाइनएप्पल गार्डन। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, और यहाँ का सीनिक ब्यूटी जो है बहुत ही सुंदर है। मैं आपको ये ब्यूटी का जो फील है वो ज़रूर दूंगा, तो थोड़ा वेट कीजिए, आपके लिए एक ड्रोन फुटेज तो बनता ही है। तो चलिए अभी ड्रोन फुटेज को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, हम लोग घर पे बैठ के स्वादिष्ट पाइनएप्पलों का आनंद उठाते हैं, बट ये लोग बहुत मेहनत करते हैं इन पाइनएप्पलों को हम तक पहुंचाने में। इनके लिए वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, और आपके भाई का इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, फॉलो कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। हाय, एक हजार का अनारस है, एक लम्फाई में पूरा 50 साइड ये घुस जाता है लम्फाई पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा पाइनएप्पल गार्डन, इंडिया का फेमस पाइनएप्पल गार्डन और सबसे बड़ा पाइनएप्पल गार्डन। इसी गार्डन से दुबई पाइनएप्पल एक्सपोर्ट होता है, और आप देख रहे हैं एक भैया पाइनएप्पल अनलोड कर रहे हैं अपने इस टोकरी से, जिसको लम्फाई बोलते हैं।
और इस लंखाई में एक साथ 50 से 60 पाइनएप्पल जगह होता है और ये लोग इतना मेहनत करते हैं बस हम लोगों के लिए कि हम लोग अच्छा अच्छा पाइनएप्पल खा पाए। ये लोग ये पहाड़ जो है इसको पैदल चल के यहाँ से पहाड़ से पाइनएप्पल लाते हैं अंदर अंदर से। मैं भी गया था बट बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था, इतना सारा मच्छर था, मतलब काट काट के मेरा तो हालत ख़राब कर लिया है। बट ये लोग कैसे रहते हैं पता नहीं, ये लोग हमारे लिए इतना सारा तकलीफ करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी दूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए भालो थाकुन, सुस्त थाकुन। We'll be right back.